तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो, बढ़िया हो भाई, मस्त हो। तो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को पासपोर्ट के बारे में। जी हाँ, पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट। इंडियन पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है, इंडियन पासपोर्ट में क्या क्या कलर है और कौन सी कलर ऐड होने वाली है, सारी चीज़ मैं डिटेल्स में बताऊँगा। तो गाइस, चलिए बने रहे मेरे साथ। तो गाइस, जो इंडियन पासपोर्ट है फिलहाल 83 नंबर पे है, मतलब 2022 में जो लिस्ट जारी किया है हेनली इंडेक्स द्वारा। हेनली इंडेक्स क्या है? हेनली इंडेक्स एक स्विट्जरलैंडी संस्था है जो हर साल पासपोर्ट की लिस्ट जारी करता है। तो इस साल भी लिस्ट जारी किया है जो हमारे देश इंडिया की पासपोर्ट है 83 नंबर पे है, जो दो एक साल पहले 90 नंबर पे था। थोड़ी अच्छी बात है कि स्ट्रॉन्ग हुआ है, 90 से घट के 83 हुआ है, अच्छी बात है। और जो नंबर वन पे है भाई, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है जापान और सिंगापुर के पास, नंबर वन पे आ गया है ये दोनों कंट्री, जापान और सिंगापुर। कुल 192 कंट्री में घूम सकता है फ्री वीज़ा। नंबर टू पे है जर्मनी और साउथ कोरिया, क्या बात है, बहुत अच्छी। और नंबर थ्री पे है लुक्सेमबर्ग, इटली वगैरह वगैरह बहुत सारे कंट्री है, नाम कितना बताऊँ उतना याद नहीं है, जितना हो सके मैं बता रहा हूँ। और खराब पासपोर्टधारी ओस्ट पासपोर्ट, मतलब डब्ल्यू आर राष्ट्रीय ओस्ट पासपोर्ट, खराब पासपोर्टधारी कंट्री का भी लिस्ट जारी कर दिया है। उनमें 10 कंट्री का नाम मैं बता रहा हूँ। जो सबसे पहला नाम है वो है अफगानिस्तान का, क्योंकि भाई अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया है तो पासपोर्ट उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कैसे, एक बात। दूसरे नंबर पे है इराक, इराक में भी पासपोर्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे भी ये ISI आतंकी वगैरह ये सब लगा ही रहता है, युद्ध वगैरह, तो वहाँ का भी पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने का कोई चांस नहीं है। और नंबर तीसरे पे है सीरिया, सीरिया में तो इतना भयानक युद्ध होता है और होता ही रहता है हमेशा, सीरिया में कैसे बनेगा उतना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। नंबर चौथे पे है भाई पाकिस्तान, ये पाकिस्तान क्या बताओ, आतंकिस्तान बोलना अच्छा है, पाकिस्तान को टेरर का गढ़ कहा जाता है, तो इसका इस देश का पासपोर्ट कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा भाई, आप लोग इस सोच के ना बताओ। तो पाकिस्तान का पासपोर्ट है चौथे नंबर पे। पांचवे पे है यमन, ये भी अरब का एक कंट्री है यमन। और छठे नंबर पे है सोमालिया, सोमालिया है एक अफ्रीकन कंट्री सोमालिया, ये यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है, लूट मार दंगा होता है, तो इस देश का भी पासपोर्ट कैसे बनेगा स्ट्रॉन्ग। नंबर सातवें पे है पैलेस्टाइन टेरिटोरी, पैलेस्टाइन जानते ही हो, जो इसराइल ने धीरे धीरे कब्जा कर रहा है, पूरा है पैलेस्टाइन को खा गया है, थोड़ा सा बचा है। और सातवें पर भी नेपाल भी है सातवें नंबर पे। आठवें पे है आपका नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को पता है किम जोंग उन का कंट्री नॉर्थ कोरिया। और नवे पे है लीबिया, कोसोवो और बांग्लादेश, ये है नौवे नंबर पे। दसवें नंबर पे है सूडान, श्रीलंका और लेबनान, लेबनान अरब कंट्री है, सूडान अफ्रीकन कंट्री है और श्रीलंका एशियन कंट्री है। तो ये सब वोस्ट पासपोर्ट की लिस्ट में आया है, WORST वोस्ट माने खराब पासपोर्ट की लिस्ट में आया है। तो हमारे देश की जो पासपोर्ट है ब्लू कलर दिया जाता है हमेशा आम पब्लिक को, और वाइट कलर की पासपोर्ट दी जाती है हमेशा ऑफिशियल कामों के लिए, मतलब सरकारी लोगों को दी जाती है। और मैरून कलर की पासपोर्ट वो दी जाती है सरकारी अधिकारियों के लिए, जो हमारे देश की एम्बेसी दूतावास को संभालता है विदेशों में जाके, उन लोगों को मैरून कलर की पासपोर्ट दी जाती है। और एक कलर और ऐड होने वाला है, वो क्या है, ऑरेंज कलर की पासपोर्ट, वो भी आम पब्लिक को दी जाएगी ऑरेंज कलर की पासपोर्ट। और जो मूल बात है कि और भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, कैसे बनेगा, क्योंकि ई पासपोर्ट शामिल होने वाला है हमारी देश की पासपोर्ट में। ई पासपोर्ट क्या है? ई पासपोर्ट है कि हमारे देश की पासपोर्ट जितने हैं अभी तो नॉर्मल है, और ई पासपोर्ट में एक छोटा सा माइक्रोचिप लगेगा जिसमें आपका फ़ोटो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, आई स्कैनिंग रहेगा और फिंगर स्कैनिंग रहेगा।
मतलब जिसको स्कैन करते ही सारे डिटेल्स आ जाएगा। तो ये विदेशी यात्रा में बहुत ही सिक्योर, बहुत ही स्ट्रांग होगी, मतलब कोई किसी का पासपोर्ट लेके नहीं जा सकता। और ये पासपोर्ट को अगर कस्टम वालों स्कैन किया तो तुरंत पकड़ लेगा कोई फ्रॉड करेगा। तो ये जब शामिल हो जाएगा पूरा फुलफिल, तो हमारे देश की पासपोर्ट और भी स्ट्रांग हो जाएगी।